हेलो गाइस, वेलकम टू सेलर चिटचैट विद मन्नू। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि एक ही रैप सॉन्ग के दम पर इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो चुके हैं। उनके रैप सॉन्ग को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि उनके फैंस एक ही दिन में लाखों की संख्या में भरते जा रहे हैं। तो गाइस, मैं बात कर रही हूँ आपके फेवरेट रैपर आरसीआर के बारे में। तो अगर आप भी रैपर आरसीआर के फैन हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट उनकी पूरी लाइफ को कवर करने वाली हूँ। तो गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं कहानी आरसीआर रैपर की। आरसीआर का रियल नेम है रोहित कुमार चौधरी। उनका जन्म 1996 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनके फादर का नेम कमलजीत चौधरी और उनकी मदर का नेम रानी चौधरी है। रोहित ने अपनी स्कूलिंग डीएबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर से की। उसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से किया, बट रोहित की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी गाइस। इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिस वजह से उन्हें अपना ग्रेजुएशन बीच में ही ड्रॉप आउट करना पड़ा। रोहित बचपन से ही रैपर बनना चाहते थे, इनफैक्ट वो बचपन से ही सिंगिंग करते आ रहे हैं। उनका इंटरेस्ट बचपन से ही सिंगिंग में रहा है। फिर उनकी एक टीचर ने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें रैपर बनना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ का गोल ही बना लिया कि उन्हें रैपर बनना है, और फिर शुरू कर दिया अपना हार्ड वर्क। जब उनका कॉलेज छूट गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुंबई जाएंगे और रैपिंग में अपना करियर परस्यू करेंगे। रोहित बताते हैं कि वो इंडियाज गॉट टैलेंट में परफॉर्म करना चाहते थे, बट उन्हें टॉन्सिल प्रॉब्लम्स की वजह से वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर उन्हें उनके टैलेंट के बेस पर मौका मिला दिल है हिंदुस्तानी सीजन 2 में अपना टैलेंट दिखाने का, जहाँ पर वो टॉप 10 तक भी पहुँचे थे। फिर भी रोहित को उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी, जिसके कहीं ना कहीं वो हकदार थे। और वो सफर पूरा हुआ एमटीवी के रियलिटी शो हसल पर आकर। यहाँ पर उन्होंने अपना एक रैप सॉन्ग गाया और जिसके दम पर वो पूरे इंडिया में फेमस हो चुके हैं। इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी उनके वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब उनके फैंस दिनों दिन भरते जा रहे हैं, जो कि उनकी रियल लाइफ और उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो गाइस, अब तो रोहित बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और वो रातों रात स्टार बन चुके हैं। उनके बहुत सारे फैंस हैं जो कि तेजी से भरते ही जा रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ से एक किस्सा शेयर करते हुए रोहित ने ये भी बताया है गाइस ऑन नेशनल टेलीविजन कि वो एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उसके साथ बहुत लंबे समय तक रिलेशनशिप में भी थे, बट उसके घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। जो लड़का नेवी में बहुत बड़ा ऑफिसर था, और लड़की की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो लड़की रोहित से शादी करे, क्योंकि रोहित कुछ अच्छा खासा नहीं कमाते थे। क्योंकि उन लोगों का मानना था कि रैपर कुछ भी अच्छा खासा नहीं कमा सकते, ये केवल गाएगा तुझे खिलाएगा क्या। और इसी वजह से उस लड़की की शादी कहीं और हो गई, और उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना रैप सॉन्ग गाया था जो उसी लड़की को डेडिकेटेड था, जो कि इतना ज्यादा वायरल हो गया गाइस कि वो रातों रात स्टार बन चुके हैं। तो ये थी उनकी स्टोरी। आई होप आपको इनकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, लव यू ऑल।